खमान गणिसार राम राम। आप देख रहे हो झलको चूरू, मैं नंदिता आपरे साथ। जिला मुख्यालय का अग्रसेन नगर और 5 दूसरी कॉलोनियों का निवासियों के लिए अच्छी खबर है। अग्रसेन नगर को फाटक लगातार गाड़ियां गुजरने की वजह अमूमन बंद रह वह, जिसकी वजह कॉलोनी वासियां ने भारी परेशानी को सामना करना पड़ रही हो। पर राज्य सरकार, चूरू विधायक हरलाल सारण और भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ का निवेदन के बाद 5 करोड़ को बजट पास करियो है, जिसके बाद बैठा निवासियां में खासा उत्साह है। आज विधायक हरलाल सारण अंडरब्रिज की लोकेशन देखी और ठेकेदार फर्म ने गुणवत्ता परक कार्य समयबद्ध तरीका करने की बात बोली है। विधायक हरलाल सारण बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 रेलवे अंडरपास की स्वीकृति मिली है। अंडरपास में अत्याधुनिक लाइटा लागी, साथ ही सुसज्जित 3 शेड भी लगाने का निर्देश दिया है। एक बार थे भी देखो और सुनो कि विधायक हरलाल सारण इस दौरान कई चर्चा करी। घोषणा में 2 अंडरब्रिज दिए गए थे, वो आज स्वीकृत होके आगे आज एक्शन साहब और हमारे मंडल अध्यक्ष दीन जी और सुरेश जी और कुछ ओम कॉलोनी शिव कॉलोनी के लोगों द्वारा निरीक्षण किया गया है। जहाँ रिजेबल होगा वहाँ रेलवे हमारे अनुमति देगी, वहाँ अंडरब्रिज बनाएंगे। हम सब लोग कार्यकर्ता के साथ देखने आए और ये जल्दी ही अंडरब्रिज के टेंडर करके ये काम शुरू होगा, ताकि पूरी कॉलोनी को सुविधा मिलेगी, कनेक्टिविटी मिलेगी। ये कॉलोनी लगभग 5 वार्डों की कॉलोनी है, इसमें बड़ी असुविधा थी, इसलिए राज्य सरकार ने बजट घोषणा में 5 करोड़ रुपए दिए थे, वो स्वीकृत होगा आगे, इसलिए आज एक्शन साहब में निरीक्षण करें। 2 रेलवे अंडरपास ने स्वीकृति मिलने पर आपका कई विचार है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि दर्शकारी राय हमारे लिए काफी मायने रखे है। चूरू की खबर अपनी मातृभाषा राजस्थानी में देखने के लिए झलको चूरू ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर आप प्यार और विश्वास। यू ही खमा गणिसार राम राम।